वंदे मातरम नमस्कार कैसे हैं भाई सभी आप सभी का स्वागत करता हूं तो हमारा मिरर इमेज का सेशन नंबर वन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है बेटा सभी को नमस्कार सभी को जय हिंद सभी को वंदे मातरम कैसे हैं भाई सभी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है नमस्कार भाई योगेश नितेश पंकज रवि प्रदीप गौरव वंदे मातरम भाई सभी को नमस्कार चलिए आप फटाफट सारे के सारे जुड़ जाइए तो आज हम एनालॉगी से कहा कि सर काफी दिन हो गए तो मैंने कहा रेंडमली निकालेंगे रेंडमली मतलब कभी एनालॉगी कभी मिरर इमेज कभी ब्लड रिलेशंस। तो तब तक आप सारे के सारे जुड़ जाइए बेटा अलग अलग चैप्टर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं <laughs> सब जुड़ गए भाई वंदे मातरम जय हिंद तो आज हम कर रहे हैं मिरर इमेज मिरर इमेज क्या होता है भाई और अच्छे क्वेश्चन करेंगे मिरर इमेज होता है दर्पण में आकृति कि शीशे में आकृति कैसी दिखाई देती है दर्पण में तो दर्पण क्या चेंज करता है आप एक बात जानते हैं कि दर्पण क्या चेंज करता है भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड को परस्पर बदल देता है जो चीजें लेफ्ट में है शीशा उन्हें राइट में कर देगा जो चीजें राइट में है शीशा उन्हें लेफ्ट की तरफ कर देता है टॉप और बॉटम को सेम रखता है कौन से बात कर रहा हूं बेटा मैं मैं बात कर रहा हूं मिरर इमेज की दर्पण में जब भी आकृति देखें अगर आपने कोई टी शर्ट पहनी है तो अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसका लेफ्ट और राइट चेंज कर देगा ठीक है वो अपने लेफ्ट और राइट को चेंज कर देगा एम्बुलेंस के सामने देखें बेटा एंबुलेंस को उल्टा लिखते हैं ताकि सामने शीशे वाले में सीधा दिखाई दे समझ गया बेटा कोई बात नहीं भाई डायरेक्शन भी करा देंगे और ये क्वेश्चन सब अलग हैं जो आपने कभी क्लास में किए होंगे जो आपने कभी पहले किए होंगे वो एक भी क्वेश्चन नहीं है बेटा सब चीजें अलग अलग है ट्राइंगल निकालना नहीं आता आपने शायद वीडियो नहीं देखी काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो मौजूद है चलिए स्टार्ट कर सकते हैं बेटा नोटिफिकेशन लेट आता है तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन से देखो भाई क्या लिखा है प्लीज नॉट डेट मिरर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन फिगर ये जो फिगर है लेफ्ट नहीं सॉरी राइट साइड इसके लेकिन ये बात मैटर नहीं करती मैंने आपको एक बात बताई थी कि शीशा कोई भी आकृति हमारे पास है कोई भी आकृति हमारे पास है अगर शीशा उसके लेफ्ट में हो शीशा उसके राइट right में हो या शीशा उसके सामने हो तो तीनों ही स्थिति में वो लेफ्ट और राइट को चेंज करेगा तीनों ही स्थिति में लेफ्ट और राइट को चेंज करेगा और टॉप और बॉटम को सेम रखेगा लेकिन अगर शीशा ऊपर आ जाता है ये भी बात मैंने आपको बताई थी अगर शीशा ऊपर आ जाता है तो वो एक वॉटर इमेज की तरह बिहेव करेगा ऊपर या नीचे तो हमारे सामने तीन स्थितियां हैं चाहे शीशा लेफ्ट में है या राइट में है या उसके सामने रखा हुआ है तो चलिए पीछे वाले में आ जाते हैं शीशा यहां है तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा शाबाश पहले और दूसरे का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए बेटा। क्या आंसर आएगा? पहले और दूसरे का आंसर क्या आएगा अब इसमें मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी डालने बेटा कंफ्यूज करने के लिए पहले और दूसरे का आंसर क्या आएगा कितना आसान सी बात है बेटा ये देखो ये सर्कल आपको लेफ्ट में दिख रहा है नीचे तो लेफ्ट का लेफ्ट में नहीं रहेगा लेफ्ट का लेफ्ट में नहीं रहेगा ये लेफ्ट का लेफ्ट में नहीं रहेगा ये लेफ्ट वाला राइट right में आएगा और इसलिए आंसर बी बॉम्बे होगा हालांकि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा कोई दिक्कत नहीं बेटा ऐसी चीज को अवॉइड कर सकते हो बनाते टाइम वो दिक्कत हो सकती है तो आंसर बी बॉम्बे बनेगा लेफ्ट वाली चीज को हमने राइट right में परिवर्तित कर दिया बहुत बढ़िया आंसर दिया क्वेश्चन नंबर दो का आंसर दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर दो में जो ट्राइंगल राइट साइड में है वो ट्राइंगल लेफ्ट में है लेफ्ट में लेफ्ट जो एरो मार्क ऊपर जा रहा है तो वो नीचे नहीं जाएगा टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा वो नीचे नहीं जाएगा टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा तो बी और डी तो हो गए गलत उसके बाद जो एरो मार्क ऊपर राइट कॉर्नर में जा रहा है वो ऊपर लेफ्ट में जाएगा लेफ्ट में तो यह तो आंसर ए में होगा या बी में लेकिन आप देख रहे हैं कि शेडेड पोर्शन अंदर है ट्राइंगल के तो शेडेड पोर्शन यहां पे बाहर है ट्राइंगल के तो यहां अंदर है यहां बाहर है इसलिए आंसर ए बनेगा और आंसर सी नहीं बनेगा इसलिए आंसर ए बनेगा और आंसर सी नहीं बनेगा वेरी गुड बहुत बढ़िया तो इसका आंसर हुआ बी ए आंसर क्या हुआ बेटा इसका बी ए बी ए वेरी गुड नेक्स्ट अगले पर आ जाते हैं बेटा अगले पर बड़ा अच्छा प्रश्न है देखते तीसरा कितने जने आंसर करते हैं तीसरा कितने जने आंसर करते हैं बताइए बड़ा अच्छा प्रश्न है तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस घुमाने के लिए डाले गए बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कितने जने आंसर करेंगे बेटा बैच एक्टिवेट हो जाएगा भेज दीजिए प्रूडेंस कोचिंग साथ साथ नोट्स तो नहीं करना नहीं बेटा इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है इसका पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया तो नोट का ही करना है भाई चलो फटाफट से बेटा बच्चों को जोड़ो इसका आंसर क्या बनेगा अच्छा जो ये इस आकृति में आपको दिख रहा है तो इधर का इधर तो आएगा नहीं ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, जाएगा, इधर. अब सवाल ये कि बी बनेगा या सी बनेगा या डी ये लंबी लाइन तो इस कॉर्नर में जा रहा है तो अभी ये लंबा लाइन इसी कॉर्नर में नीचे टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये छोटी लाइन जा रही है लेकिन बेटा सच्चाई है कोई सा भी नहीं बनेगा क्योंकि Z को अगर हम शीशे में रख देना बेटा तो Z इस प्रकार का हो जाएगा और अगर ये Z इस प्रकार का है तो वो Z इस प्रकार का हो जाएगा समझ गए और वो किसी में नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्लियर कह रहा हूं नन ऑफ दीज और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो छोड़ आना छोड़ आना बेटा नंबर मिल जाएगा गलत है ये गलत है बेटा नहीं बन सकता <laughs> आप क्या करना जो पीडीएफ आपके सामने है ना उस पीडीएफ को खोलना और शीशा रख के देखना यहाँ पे यहाँ शीशा रख के देख लेना यहाँ शीशा रख के देख लेना और मैच कर लेना वो किसी के साथ मेल नहीं खाएगा तो इसने डायरेक्शन गलत बदल दी बेटा ये डायरेक्शन इसने गलत दे दी इसकी जब जेड को शीशे में देखते हैं ना तो जेड शीशे में ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है परिवर्तित हो जाएगा आंसर होगा नन। सारे के किया थोड़ा सा ऊपर था थोड़ा सा नीचे कर दिया आपने उस तरीके का एक तरीका टॉप और बॉटम झुकाया तो वाटर में तो वो चल सकता था तो में ऐसा नहीं गलत है तो मैंने क्या कहा बेटा एक बार मोबाइल में खोल लेना यह क्वेश्चन शीशा रख के देखना उस शीशे में जो छपर है वो इसमें दिखाई देगा इसमें बिल्कुल दिखता है बेटा बिल्कुल दिखता है वहां पे ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा चौथा बताइए क्या चौथे का भी कोई सा आंसर है इसका भी आंसर नन होगा चौथे में इसकी फेसिंग इधर है तो इसकी फेसिंग इधर की इधर तो रह नहीं सकती फेसिंग इधर होगी इधर होगी इधर होगी ठीक है बेटा अच्छा एक बात और जो लाइन ऐसे जा रही है ना वो लाइन ऐसे की ऐसे नहीं रह सकती वो भी गलत जो लाइन ऐसे जा रही है वो शीशे में ऐसे दिखाई देगी डायरेक्शन चेंज होगी लाइन की अब हमारे पास बचा बी बॉम्बे और सी बीच में लाइन है तो बीच में लाइन है बिल्कुल यहां बीच में लाइन ही नहीं है तो आंसर नहीं है तो चौथे का आंसर होगा बी बॉम्बे तो बी बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर चार का अगर आंसर आपसे पूछे तो वो होगा बी बॉम्बे क्वेश्चन नंबर चार का आंसर होगा बी बॉम्बे नेक्स्ट पांच और छठे का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर और छह का आंसर बताइए बेटा शाबाश क्वेश्चन नंबर पांच और छह का आंसर बताइएगा जो आप कहेंगे बेटा हम तो वो मान लेंगे है भाई दोनों का आंसर एक साथ बताइए शाबाश बेटा वेरी गुड क्या होगा आंसर चलिए आ जाते हैं पांचवे में जो एरो मार्क ऊपर है लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में देखो फिगर के ये वाला हिस्सा लेफ्ट मान लेंगे ये वाला हिस्सा राइट मान लेंगे ये वाला टॉप मान लेंगे ये वाला बॉटम जो हिस्सा ऊपर लेफ्ट में है तो वो नीचे की तरफ फेस नहीं कर सकता राइट साइड में जाके नीचे की तरफ फेस नहीं कर सकता नीचे फेस नहीं कर सकता बस बी बॉम्बे रहेगा इधर का इधर और इधर का इधर लेफ्ट और राइट चेंज करेंगे तो आंसर बी बॉम्बे होगा इमेजिन नहीं करना कि हम पलटी मार रहे ना बेटा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है सीधी सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर छे में आप ये देखिए ये पतली वाली आयत राइट एंड साइड में है तो राइट right की राइट right में रह गई गलत है राइट right की राइट right में रह गई गलत है यह लेफ्ट में आएगी लेफ्ट में यहां भी आ रही है यहां भी आ रही है यहां स्पेस ज्यादा छूटा हुआ है तो यहां भी स्पेस ज्यादा छूटा हुआ यहां पूरा मिला रखा है पूरा मिला रखा है तो ये भी आंसर नहीं है ये होगा इसका आंसर होगा बी बॉम्बे तो दोनों का आंसर बी बॉम्बे नन नहीं है बेटा छठा कह रहे नन क्यों नन बेटा बिल्कुल बनेगा ये चेक कर लेना शीशा रख के बिल्कुल बनेगा बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर नंबर साथ, नंबर साथ और नंबर और पर आ जाते हैं में कुछ एरर है कोई बात नहीं वो मैं बता दूंगा आप सात बताइए आप फिलहाल सात बताइए कि क्वेश्चन नंबर सात का आंसर क्या होगा देखो बेटा जोड़ो फटाफट सभी को मैं भी टेलीग्राम वाले भेज देता हूं बच्चों को कि फटाफट से जुड़ जाए पीडीएफ मैंने इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था बेटा पहले ही तो आंसर में उसमें एक में जो करेक्शन है वो साथ साथ प्लीज कर लें ठीक है ये लो <coughs> भाई पहुंच गया टेलीग्राम पे नेक्स्ट सातवें पर आंसर में आ जाते हैं देखो सातवें पर यह चीज राइट एंड साइड की तरफ है तो यह राइट की राइट में गलत है राइट की राइट में गलत है यह चीज लेफ्ट में होनी चाहिए लेफ्ट में होनी चाहिए लेकिन राइट में भी बाहर लेफ्ट में भी बाहर तो यहां भी बाहर यहां भी बाहर आंसर ये होगा और यह आंसर नहीं हो सकता अब यह चीज ना गलत आ गई बेटा इसका सर्कल यहां आ गया छापते समय कटके कोई दिक्कत नहीं है जो ये चीज है ना इस लाइन को यहां मान लेना ये यह लाइन right 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 नहीं रह सकता लेकिन वो नीचे जोड़ रखा है लेकिन वो सर्कल जो था वो जो सर्कल जो था जो सर्कल आप यहां देख पा रहे बेटा ये सर्कल इस आयत के ऊपर जुड़ा हुआ है तो हम इस सर्कल को ऊपर जोड़ेंगे और इसको थोड़ा सा दूर बनाएंगे इसको नजदीक नहीं रखना बेटा ये कट गया इसको थोड़ा सा दूर रखना है तो आंसर ए होगा यानी छोटी सी करेक्शन अगर हम करेंगे तो वो आंसर क्या बन रहा है बेटा वो आंसर ए बन रहा है ये यूट्यूब पर ही चल रहा है दस, -फट से आंसर दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर नौ और क्वेश्चन नंबर दस का आंसर क्या होगा बहुत अच्छा प्रश्न है और दस बताइए बेटा शाबाश फटाफट मैंने भी सेशन शेयर कर दिया बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ बेटा मैंने टेलीग्राम पर लिंक सेंड किया है ताकि बच्चे को पता लग जाए कि सेशन चल रहा है बिल्कुल आता बेटा डीएसएसएसबी वालों को बिल्कुल करना है DSSB वालों को करना है और डीएसएसबी की वैकेंसी आउट हो गई मैंने नोटिफिकेशन डाला था दिल्ली में जो बोर्ड होता है दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टीचिंग की भी और कुछ एक वैकेंसी है आ जाओ बेटा नोवा हो गया बेटा देखो नौवे में जो सर्कल है ना वो राइट एंड साइड की तरफ है ये राइट right का राइट right में रहा ट्राइंगल लेफ्ट में है सर्कल राइट right का राइट right में रहा गलत है सर्कल राइट right का राइट right में रहा गलत है ये सही है जो चीज इधर थी वो चीज इधर चली गई ट्राइंगल का फेस इधर था ट्राइंगल का फेस इधर आ गया इसका आंसर डी डेली जो बच्चे कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं इसका आंसर जो डी डेली कह रहे हैं ना बेटा वो एकदम सही कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर नो का आंसर डी डेली होगा

तो जो लाइन इधर को जा रही है वो ऑफकोर्स हमें शीशे में राइट एंड साइड में जाती हुई दिखाई देगी लेकिन एक तरीके का टॉप और बॉटम एक सेकेंड रुक जाओ बेटा नौ और दस में दुविधा ये तो पलट गया ये तो पलट गया अब सवाल यह है कि क्वेश्चन नंबर दस का आंसर ए बनेगा या बी बनेगा पेंटागन सेम रहेगा बेटा पेंटागन सेम है पेंटागन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं पेंटागन में कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन ये सेम रहेगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब हम इसको शीशे में रखेंगे तो ये सेम रहेगा या नहीं रहेगा बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वेरी गुड बेटा सेम रहेगा एग्जैक्टली exactly बेटा एग्जैक्टली exactly ये जो रहेगा ये सेम रहना है बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड फंटेस्टिक आंसर बी बॉम्बे ही बनेगा ए नहीं बनेगा चाहे शीशे में रख के देख लेना बहुत बढ़िया बेटा थैंक्स नेक्स्ट और बारह बता दीजिए बेटा सेशन को शेयर करते रहिएगा देखो ग्यारहवा बड़ा आसान है शेडेड रीजन ऊपर है लेफ्ट में तो नीचे क्या करने चला गया नीचे क्या करने चला गया ऊपर है लेफ्ट में तो राइट में ऊपर आएगा राइट में तो ये लेफ्ट का लेफ्ट में रह गया गलत है तो इसका आंसर होगा सी ग्यारहवें का आंसर सी आया और ये बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। ग्यारहवें का आंसर सी आया बारहवें का आंसर बता बेटा बारहवा भी बड़ा अच्छा प्रश्न है क्या होगा बारहवें का आंसर जो नीचे आयत है तो वो नीचे रहेगी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है भाई वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है और जो ये कर्व ऊपर की तरफ राइट में राइट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये राइट में ऊपर नहीं जाएगा ये ऊपर जाएगा कर्व लेकिन अब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा अब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आंसर डी डे बनेगा तो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो डी डेली होगा तो क्वेश्चन नंबर बारह का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा डी डेली बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन नंबर तेरह और चौदह ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें एक बताइएगा क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर तेरह और चौदह का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा शबाश बताइए अलग क्वेश्चन करा रहा हो बेटा क्लास में कोई सा क्वेश्चन नहीं कराया था क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कराया था सब क्वेश्चन अलग है देखो बेटा ऊपर क्या है सर्कल प्लस सर्कल सर्कल प्लस सर्कल नीचे क्या करने चला गया सर्कल प्लस सर्कल ऊपर है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली सर्कल प्लस सर्कल राइट एंड साइड में था तो राइट right का राइट right में रहा सर्कल प्लस सर्कल नीचे क्या करने चला गया बेटा नीचे नहीं जाएगा जो चीज ऊपर है वो ऊपर रहेगी जो नीचे है वो नीचे रहेगी जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में जाएगी सर्कल प्लस सर्कल राइट में है तो सर्कल प्लस सर्कल लेफ्ट में चला जाएगा प्लस सर्कल प्लस लेफ्ट में है प्लस सर्कल प्लस राइट में चला जाएगा तो इसका आंसर बी बॉम्बे करेक्ट होगा तो जो बच्चे बी बॉम्बे कह रहे थे ना एकदम बढ़िया कह रहे थे चौदह और बता दो बेटा चौदह और देख लेते हैं चलिए शाबाश, चौदह का आंसर बताइए क्या होगा साढ़े पांच सौ बच्चे लाइव हो गए हैं, यानी एक चैप्टर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बेटा है लेफ्ट और राइट को चेंज करना है किस आधार पे करना है टॉप और बॉटम को चेंज नहीं करना देखते हैं चौदह का आंसर कितने जने बताते हैं चौदह ज्यादातर बच्चे डी के पक्ष में है अच्छा डी के पक्ष में है तो जब हम डी की बात कर रहे हैं तो बेटा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है तो ये नीचे चला गया ठीक है ये लेफ्ट का लेफ्ट में नीचे आ गया ये लेफ्ट का राइट right में चला गया ऊपर कितने हिस्से एक दो तीन चार ऊपर हिस्से एक दो तीन ये गलत है फिर ऊपर कितने हिस्से एक दो तीन यहां कितने हिस्से एक दो तीन नीचे कितने हैं एक दो नीचे कितने हैं एक दो तीन सारे गलत है तो इसका आंसर <laughs> क्या नन और कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया था कि सर कोई भी नहीं होगा आप ये देखो ना आप डी के पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं आप डी में देख रहे हैं ऊपर तीन हिस्से एक दो तीन तो ऊपर तीन हिस्से ठीक है मानता हूं लेकिन ये वाला हिस्सा चतुर्भुज है ये वाला हिस्सा त्रिभुज दे रखा है फिर नीचे की बात करें तो नीचे दो हिस्से है इसमें नीचे तीन हिस्से कर रखे कहां से डी बनेगा बेटा कहां से डी बनेगा तो ऐसी स्थिति में आ जाए अच्छा होता क्या है कि अगर मान लो पेपर में आप अटेम्प्ट भी करके आ गए मान ले आपको पेपर पेपर में में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई आप आप अटेम्प्ट अटेम्प्ट भी भी करके करके आ आ गए गए और जब आप पेपर में भी आ ना तो बेटा ऐसे प्रश्न का रिप्रेजेंटेशन में या नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर मिल जाता है तो आप चाहे छोड़ करके आइए छोड़ के आइए कोई दिक्कत नहीं है कुछ बच्चों ने बोल दिया था पहले कि सर नन ऑफ दीज होगा ठीक है बेटा पंद्रह और सोलह का उत्तर बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह और क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर पंद्रह और सोलह का आंसर बताइए शाबाश क्या बनेगा <coughs> दोनों का आंसर चाहिए बेटा फिर से क्वेश्चन दूंगा भटकाने वाला कंफ्यूज बढ़ाने वाला पंद्रह और सोलह का आंसर बताइए बेटा क्या होगा आंखों देखा झूठ था ये तो चलो 15 के उत्तर पर आ जाते हैं बेटा जो लाइनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे अब वो लाइनें ऐसे जाएंगी तो ये एज इज ऐसे जा रहा है, गलत है ये ऐसे जा रहा है, है, गलत है। अब आंसर बनेगा बी बॉम्बे जो चीजें राइट में है ये चीज अब राइट की राइट में नहीं रहेगी ये चीज राइट की बजाय अब लेफ्ट में आ जाएगी तो आंसर बी बॉम्बे बनेगा देखो जो ये लाइने इधर को जा रही है ना बेटा ये लाइने इधर को जाएंगी चेक करके देख लेना आंसर क्या बनेगा बेटा बी बॉम्बे और अगले वाले का नन कह रहे हैं होशियार हो गए भाई अगले वाले का कह रहे हैं गुरु जी नन अच्छा जो सर्कल ऊपर है वो सर्कल नीचे बिल्कुल नहीं आ सकता वो सर्कल नीचे बिल्कुल नहीं आ सकता जो सर्कल लेफ्ट में है वो लेफ्ट में नहीं रह सकता अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये आंसर है या अब भी आंसर नहीं है तो ये आंसर होगा या अब भी यह आंसर नहीं होगा अगर मैं इस चीज को पूरा कर देता हूं तो क्या ये आंसर रहेगा या नहीं रहेगा मैं तो फिर आपसे पूछ रहा हूं बनेगा नहीं बनेगा अभी भी अभी भी नहीं बनेगा बेटा अभी भी इसका आंसर नन रहेगा सर्कल की पोजीशन तो ठीक है लेकिन इस वाली आकृति की पोजीशन गलत बैठेगी इस वाली आकृति की पोजीशन गलत बैठेगी तो क्या करना है बेटा क्या करना है यहां शीशा रखना शीशा रख के इसको पूरा करके देखना तब भी इसके साथ ये मेल नहीं खाएगा जरूरी है जिन क्वेश्चन में मैंने नन ऑफ दीज दिया है केवल यहां पढ़ने से काम नहीं चलने वाला बेटा कुछ चीजों को वाकई स्वयं करके सीखना होता है हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए कि सर कराएंगे तो होगा कुछ चीजें बेटा स्वयं भी सीखी जाती हैं शाबाश अगला बताइए बेटा मैं तब तक उसे और शेयर कर देता हूं आप भी शेयर करते रहिए बेटा अगर मेन यूजफुल सेशन लगेगा तो बहुत सारे टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप्स में आप भी जुड़े हुए हैं ना बेटा तो आप वहां निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जिन बच्चों ने शेयर किया है चलो बता दो सत्रह और अट्ठारह का आंसर क्या होगा सत्रह का आंसर जो लाइनें ऐसे जा रही हैं बीच में वो ऐसे की ऐसे नहीं रहने वाली ये लाइन बड़ी छोटी कर दी है एच की तरफ जाती ये लाइन बड़ी छोटी कर। लंबी लाइन लंबी लाइन चाहिए हमें छोटी नहीं चाहिए तो ये डी बनेगा तो सत्रह का आंसर निश्चित रूप से क्या बनेगा डी और वो काफ़ी जनों ने सही आंसर दिया था बात करते हैं अट्ठारह की ऊपर सर्कल है तो ऊपर सर्कल रहेगा चेंज नहीं होना बेटा इक्वल टू नहीं आ सकता ऊपर सर्कल है तो ऊपर सर्कल रहेगा इसी से आंसर आ गया बस नीचे इक्वल टू है नीचे इक्वल टू रहेगा राइट में प्लस है लेफ्ट में जाएगा लेफ्ट में मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा तो आंसर इसका सी बनेगा तो जो सत अठारह का आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा बेटा सी अट्ठारह का करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट नंबर उन्नीस और बीस का आंसर बताइए बेटा क्या होगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस और बीस का आंसर क्या होगा नाइनटीन एंड ट्वेंटी के लिए आंसर जो बनेगा करेक्ट क्या बनेगा शेयर कर रहे हैं बेटा सारे के सारे देखो आप लोगों से हिम्मत बनती है शेयर करते रहो लाइक करते रहो आगे चलते रहो हिम्मत तो आप लोगों से ही मिलती है भाई डेली की डेली लाइव आना है हमें कोई दिन नहीं छोड़ रहा हमें मैं कोई भी दिन नहीं छोड़ रहे हैं और सर मैं शेयर करता रहूंगा और मैं आपको अब डायरेक्शन ब्लड रिलेशंस इन सब के प्रैक्टिस सेशंस के साथ लाइव आऊंगा मैं बहुत जल्दी चलिए हो गया बेटा उन्नीस और बीस का आंसर बताइए क्या होगा बी ए कह रहे हैं बी ए बीए बीए उन्नीस और बीस का आंसर बीए देखो जो चीजें लेफ्ट में है आकृति के लेफ्ट में है वो लेफ्ट का लेफ्ट नहीं रह सकता वो राइट में जाएगा ई e ऊपर है तो ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा नीचे नहीं जा सकता E की पोजीशन ई e, अगर शीशे में देखेंगे तो ई e ऐसे बनता है बिल्कुल सही ऐसा है शीशे में देखेंगे एस ऐसे बनता है तो दोनों पोजीशन ठीक है लेकिन जो लाइन ऐसे जा रही है ना बेटा वो ऐसे की ऐसे नहीं रहने वाली है। वो लाइन ऐसे चेंज लेगी और ये बनेगा यानी जो लाइन नीचे राइट कॉर्नर में आ रही थी राइट कॉर्नर की तरफ आ रही थी वो लाइन अब वो लाइन नीचे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएगी लाइन भी लेफ्ट और राइट बदलेगी अपना ये लाइन ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जा रही है तो ये लाइन ऊपर राइट कॉर्नर में जा रही है इसलिए जो आंसर बनेगा उसका डैट विल बी बी बॉम्बे क्वेश्चन नंबर बीस का बच्चा कह रहा है नन है भाई क्या 20 का आंसर नन है या वास्तव में है आप कैसे कह रहे हैं बेटा नन ये जो चीज नीचे है चीज हमें नीचे ही दिखाई देगी राइट में क्या करने चली गई लेफ्ट में क्या करने चली गई ऊपर क्या करने चली गई बेटा यह चीज अरे भाई ये चीज नीचे थी तो नीचे रहेगी और जो लाइन ऊपर जा रही थी लेफ्ट कॉर्नर में खाली लाइन थी वो खाली लाइन राइट कॉर्नर में ऊपर जाएगी क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज होगा नहीं तो निश्चित रूप से ए बनेगा तो बीस का आंसर होगा बेटा बी ए नन कहने वाले हो गए गलत आंसर होगा बी ए नेक्स्ट इक्कीस और बाईस बड़े बढ़िया क्वेश्चन है बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है 21 और 22 का आंसर दीजिए पहले 21 का बताइए क्या होगा देखते हैं <laughs> बेटा बता तो दिया जयप्रकाश मिश्रा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं अपडेट करा दूंगा आपका बैच जैब ज्यादा नहीं ना सर गैप ज्यादा नहीं है चलेगा जयप्रकाश मिश्रा 555 बच्चे लाइव हो गए हैं भाई साबुन 555 सुना था ना <laughs> चलिए ठीक है आ जाओ बेटा बढ़िया क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है देखो राइट एंड साइड में खाली है तो राइट एंड साइड में खाली है राइट एंड साइड में खाली है गलत राइट एंड साइड में खाली है गलत ये खाली लेफ्ट में जाएंगे खाली खाली फिर भरा भरा लेकिन अब आंसर बी और सी में से बनेगा देखो यहां नीचे लेफ्ट में खाली है तो राइट में खाली है राइट में खाली है ए और डी कहने वाले तो हो गए फुर्र जो क्वेश्चन नंबर 21 में ए और डी कह रहे थे वो तो हो गए फुर्र अब बचे बी और सी वाले आप एक बात बताइए बेटा ये लाइनें ऐसे दिखाई दे रही हैं, और ये लाइनें बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें ऐसे दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल सेम जबकि लाइनों के पैटर्न में बदलाव होता है जो लाइन इस प्रकार से है वो लाइन इस प्रकार से टर्न लेंगी जो लाइन इस प्रकार से है वो लाइन इस प्रकार से टर्न लेंगी तो आंसर होगा बी बॉम्बे बढ़िया क्वेश्चन था बी बॉम्बे कहने वाले एकदम सही थे बहुत बढ़िया पहचान की बेटा बी बॉम्बे यदि इस लेवल के प्रश्न कर रहे हैं ना आप तो फिर आपको मिरर इमेज में दिक्कत होने भी नहीं वाली और हम भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे किस चैप्टर में मिरर इमेज में और वाटर इमेज में यानी पानी में आकृति और दर्पण में आकृति आगे चलते हैं बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस में यह सब चीजें डिटो सेम दिख रही है जो चीज लेफ्ट में है और जो चीज राइट में है वही चीज लेफ्ट में है वही चीज राइट में है वही चीज लेफ्ट में है वही चीज राइट में है गलत अब हमारा आंसर आएगा ये वाला निशान लेफ्ट में था राइट में चला गया राइट में चला गया आंसर या तो बी बॉम्बे से बनना है या सी से बनना है तो ए और डी कहने वाले निकल गए हैं आंसर बनेगा बी बॉम्बे से और सी से तो बताइए बी बॉम्बे और सी के अकॉर्डिंगली आंसर होगा तो क्या होगा आइए देख लेते हैं बी बॉम्बे में ऊपर सब चीजें सेम है ये आ गया फिर ये आ गया फिर ये आ गया फिर ये आ गया ये दोनों में सेम है अब सवाल होगा नीचे वाला नीचे वाला ऐसे ही है सेम ऐसे ही है ऐसे ही है सेम ऐसे ही है अरे भाई ऐसे ही है सेम ऐसे है ऐसे है सेम ऐसे है जबकि इनमें बदलाव होना चाहिए ये था ये बनेगा ये था ये बनेगा ये था बनेगा ये था बनेगा तो आंसर क्या होगा बेटा आंसर क्या होगा सी बी बॉम्बे कह रहे हैं बी बॉम्बे में तो चेंज हुआ ही नहीं फिर जब यहां भी चेंज नहीं हुआ तो फिर यहां भी उसी को रख देते बेटा आप यहां पे शीशा रख के देखेंगे तो जो लाइने इधर को जा रही है वो लाइनें इधर को जाती हुई महसूस होंगी तो जो लाइनें इधर जा रही थी ना बेटा ये लाइनें हमें इधर जाती हुई महसूस होंगी और हम यहां पे देख रहे हैं कि ये वाली लाइन इधर ये वाली लाइन इधर, इधर तो बदलाव हुआ तो आंसर क्या बना बेटा सी तो बाईस का जो आंसर होगा वो सी होगा ठीक है बेटा ट्वेंटी टू लेफ्ट राइट चेंज होगा ना एक सेकंड बेटा देख लेते हैं अच्छा 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 एक सेकंड भाई एक ये है कि जो चीज इधर जा रही है है बिल्कुल बी सही है बेटा बी होगा लेफ्ट राइट right भी तो चेंज करेंगे वहां तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बेटा थैंक यू वंदे मातरम करेक्शन कराने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा बी ही होगा सी नहीं होगा एडवांस हो गए आप। कैसे होगा? ये चीज ऐसे ऐसे राइट राइट में थी। राइट में। तो ये ऐसे लेफ्ट में, ये ऐसे लेफ्ट में थी, तो लेफ्ट हो गई। फिर यह ऐसे लेफ्ट में थी तो ऐसे राइट में हो गई ऐसे थी तो ऐसे हो गई ऐसे थी बी बॉम्बे ठीक इसी आधार पर क्योंकि यहां तो दो ही लाइन थी ना बेटा तो दो जो चीज राइट में थी हम लेफ्ट में ले आए लेकिन वहां तो सारे खानों में भरा हुआ था मैं फिर बता रहा हूं सी आंसर बिल्कुल नहीं होगा अच्छा आप कहेंगे सर हमें तो सेम दिखाई दिया सेम नहीं दिखाई दिया बेटा ये वाली लाइन बदल के यहां आ गई ये वाली लाइन बदल के यहां आ गई ये वाली लाइन बदल के यहां आ गई।, गई और ये लाइन बदल के यहां आ गई इसलिए जो इसका आंसर होगा डेट विल बी बी बॉम्बे बी बॉम्बे होगा ठीक है बेटा वेरी गुड नेक्स्ट व्हाट्सएप क्या रहे हैं बेटा ये लो बेटा व्हाट्सएप नंबर फालतू के लिए नहीं बेटा या तो पीडीएफ भेजना या जो हमारे प्रूडेंस के बच्चे थे उनके लिए मैं ये दे रहा हूं ठीक है जैसे एक बच्चा भी बोल रहा था और इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जिसपे आप सारे जुड़े ही हुए हैं टेलीग्राम पे सारे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम है रीजनिंग बाय अरुण कुमार तो वहां से और हर एक के ऊपर बेटा नंबर लिखा ही हुआ है मैंने नंबर तो लिखा ही हुआ ना बेटा इस पीडीएफ के शुरू में पीडीएफ के लास्ट में नंबर वैसे लिखा हुआ है ठीक है बेटा चलिए आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्लॉक की क्लास मॉर्निंग में नहीं होती है क्या सर अब नहीं बेटा अब वो बैच पेड है तो उसी में होगी क्वेश्चन नंबर तेईस और चौबीस दोनों बड़े अच्छे प्रश्न है तेईस और चौबीस का आंसर बताइए क्या होगा तेईस और चौबीस का आंसर क्या होगा चलिए ठीक है बेटा जयप्रकाश मिश्रा मैं देख लूंगा पूछ उसमें से ठीक शाबाश तेईस का आंसर बताओ तेईस में लेफ्ट में खाली है लेफ्ट में खाली है राइट में खाली राइट में खाली लेफ्ट में ब्लैक है तो इससे नहीं अच्छा इसमें एक चीज है यहां पे क्या है बेटा ये लेफ्ट में ऊपर वाला व्हाइट है और ऊपर वाला व्हाइट है तो दोनों ऊपर वाइट है दोनों ऊपर वाइट है दोनों ऊपर वाइट है एक ऊपर वाइट है एक नीचे तो बी बॉम्बे तो हो गया गलत क्योंकि एक ऊपर व्हाइट है एक नीचे व्हाइट है बी बॉम्बे हो गया गलत फिर दोनों नीचे व्हाइट है दोनों नीचे व्हाइट है दोनों नीचे व्हाइट है दोनों नीचे वाइट है अब आंसर कैसे आएगा भाई आंसर ऐसे आएगा कि यह वाली जो आकृति है इसमें ट्राइंगल इधर की तरफ ट्राइंगल इधर की तरफ क्या है ब्लैंक है और यहां पे तो ये चीज लेफ्ट में मूव करेगी तो अब यह चीज लेफ्ट में मूव करेगी अब ये देखो नीचे तीनों में सब में सेम दिखाई दे रहा है ये ये और ये सब में सेम है लेकिन हमारा आंसर इससे आना है ये आपको क्या दिख रहा है बेटा ब्लैक की तरफ ब्लैक फेसिंग है तो यहां डी में व्हाइट की तरफ व्हाइट फेसिंग है तो डी डेली भी ऑप्शन से निकल गया क्योंकि ब्लैक वाले शेडो की फेसिंग ब्लैक वाली शेडो की तरफ है यहां व्हाइट वाले की फेसिंग व्हाइट वाले की तरफ है तो डी भी निकल गया अब आंसर बच्चा ए में से और सी में से और ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं आज मैं ए बन गया बेटा चलो बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको अच्छी बात है बेटा ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सी उसका रीजन है ये जो चीज इधर थी तो ये चीज यहां पे, न, ये चीज है ना तो ये ब्लैक आ गया तो ये चीज इधर फेस कर रही थी तो ये चीज इधर फेस कर रही है और वाइट वाला चीज इधर फेस कर रहा था तो व्हाइट वाला चीज इधर फेस कर रहा है सी ये क्यों गलत है ब्लैक यहां आ गया ब्लैक यहां आ गया तो ये चीज नीचे थी जबकि ये चीज ऊपर चली गई देखो बेटा इसमें और इसमें फर्क देखो यहां पर नीचे ट्राइंगल है यहां पर ऊपर की तरफ भुजा पकड़ गया है तो यह गलत है आंसर होगा ये इसमें और इसमें फर्क देखा आपने इसमें और इसमें फर्क देखा आपने बेटा समझ गए यहां पे ब्लैक इधर है यहां पे ब्लैक इधर है तो यहां पे ब्लैक इधर है यहां पे ब्लैक इधर है सेम पोजीशन पे आंसर मैच करेगा तो सी होगा मैं मिटा दे रहा हूं तो आंसर होगा सी दोनों का आंसर सी है इसका भी आंसर सी है डोंट नेम दोनों का आंसर सी है कैसे है बेटा जो लाइनें इस तरफ जा रही है इस तरफ वो इस तरफ जाएंगी जैसे ये जा रही है जैसे ये जा रही है इस डायरेक्शन में नहीं रह सकती कि इसी की डायरेक्शन में रह जाए और इसी की डायरेक्शन में रह जाए अब एक तरफ दो है एक तरफ दो हैं यहां पे हर जगह एक एक है, एक है एक दो तीन चार तो ये गलत है एक तरफ दो हैं और एक तरफ दो हैं तो आंसर सी बनेगा तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा दैट विल बी सी आंसर होगा सी नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बेटा अगले वाला 25 और 26 बताइए बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। बेटा स्टेनोग्राफर की बात ही क्या कर रहा है? सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं सभी के लिए बिल्कुल सी सही है बेटा अब चेक कर लेना सी बिल्कुल सही है शीशा रख के चेक कर लेना पीछे वाले का चलो बेटा 25 और 26 नंबर बताओ अभी तो बच्चे जुड़ रहे हैं जो चीज लेफ्ट में है वो चीज लेफ्ट में नहीं रहेगी लेफ्ट में नहीं रहेगी वो चीज राइट में आएगी इस आयत की तरफ छोटा सर्कल है आयत की तरफ बड़ा सर्कल है आयत की तरफ छोटा सर्कल है तो सी सही है तो सी सही है पच्चीस का आंसर सी है अब आ जाते हैं छब्बीस पर तो छब्बीस क्या होगा छब्बीस का आंसर बताइए क्या होगा बेटा छब्बीस का आंसर क्या होगा शाबाश बताइए छब्बीस की जब हम बात करते हैं तो जो शेडेड रीजन राइट में है वो लेफ्ट में आएगा राइट का राइट में नहीं रहेगा ये गलत है लेफ्ट में आएगा लेफ्ट में फिर व्हाइट की तरफ व्हाइट लेफ्ट में है तो राइट right में व्हाइट की तरफ व्हाइट व्हाइट की तरफ व्हाइट व्हाइट की तरफ ब्लैक गलत है ना बेटा यह व्हाइट है और उसी को ब्लैक दिखाया गया है तो यह गलत है फिर राइट right में लेफ्ट और लेफ्ट है ब्लैक और ब्लैक है यह ब्लैक है और यह ब्लैक है ब्लैक और ब्लैक राइट right में है लेफ्ट में आ जाएगा लेफ्ट में आ गया ब्लैक और ब्लैक लेफ्ट में आ गया ब्लैक और ब्लैक अब इन चीजों में हमारे पास आंसर ए और डी में बेहतर विकल्प क्या होगा बताइए बेटा अगर आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा हो इस बॉल की पोजीशन बिल्कुल ठीक है इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है इसकी पोजीशन लेकिन आंसर ए देंगे या सी देंगे आपको सेम दिख रहा है तो आंसर दोनों होगा या थोड़ा सा फर्क दिख रहा है जी हां बेटा वेरी गुड आपने कहा कि सर एक फर्क दिख रहा है वो फर्क यह है कि यहां पर हमें लाइने दिख रही है लाइनें दिख रही है और बीच में गैप दिख रहा है तो यहां भी हमने लाइनें दिख रही है बेटा तो यहां पूरा 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 पर थोड़ा सा खाली स्पेस दिखा बड़ी बॉल अलग है ना तो बड़ी बॉल के पैटर्न में तो बड़ी बॉल के पैटर्न में टोटली ब्लैक है और ये चीज यहां पे सही दिखाई दे रही है नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बेटा अगले का बताइए शाबाश क्वेश्चन नंबर सत्ताईस और क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस का आंसर क्या होगा बस बेटा छोड़ दे रहा हूं चालीस क्वेश्चन के सेट मारने अच्छा वाह नहीं दिख रहा आपको तो वैसे तो आपको आंसर दोनों ही सही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क तो देख सकते हैं जल्दी बोटो बेटा जो डी लेफ्ट में है वो डी राइट right में आ जाएगा और ऐसे घूम जाएगा लेफ्ट का लेफ्ट में रह गया लेफ्ट का लेफ्ट में रह गया राइट right में आया घूम गया और जो डी ऑलरेडी घूमा हुआ है राइट में जो डी ऑलरेडी घूमा उल्टा बना है राइट में वो डी सीधा हो जाएगा लेफ्ट में जाके सीधा हो गया लेफ्ट में जाके घूमा का घूमा रहा तो आंसर क्या बनेगा बेटा डी डेली इसका आंसर क्या बनेगा डी डेल्ली तो जो बच्चे डी डेली कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं बेटा नेक्स्ट नंबर अट्ठाइस पर आ जाइए अट्ठाइस का आंसर क्या होगा बड़े आसान है बेटा क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहिए मतलब लेफ्ट राइट right को चेंज करते रहिए अट्ठाइस का आंसर क्या होगा बेटा शाबाश बताइए अच्छा अट्ठाईस में क्या है बेटा ये चीज राइट एंड साइड में है तो ये राइट की राइट में रह गई राइट right की राइट right में रह गई गलत है यह चीज बाहर की तरफ कर्व यह चीज बाहर स्क्वायर है लेकिन बाहर कर्व जोड़ दिया है बाहर की तरफ स्क्वायर है तो बेहतर विकल्प होगा यहां पे सी तो इसका बेहतर विकल्प नन क्यों कह रहे हैं बेटा बन तो रहे जो चीज यहाँ राइट में है वो लेफ्ट में आ गई फिर जो चीज लेफ्ट में थी घूमने के बाद वो राइट में आ गई हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकाल रखा है ज्यादा बाहर निकाल रखा है लेकिन ऐसी स्थिति में आंसर चूज करके आए ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकाल रखा कैसे होना था बेटा ये ऐसे होना था यहां तक और ऐसे कर्व अंदर होना था ये ऐसे होना था लेकिन ऐसी स्थिति में बेटा आंसर छोड़ के ना आए आंसर को जरूर अटेम्प्ट करके आए हालांकि नन ऑफ दीज है है मैं मान रहा रहा हूं कि इसमें से कोई सा नहीं है। exactly match कोई सा सा नहीं नहीं एग्जैक्टली मैच तो भी कर स्पेस का वहां निश्चित रूप से फर्क आ रहा है लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आए बेटा उसे उसे अटेम्प्ट जरूर करके आना है नेक्स्ट आगे बताते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर उन्तीस और क्वेश्चन नंबर तीस का आंसर क्या होगा उनतीस और तीस पिछले वाला समझ नहीं आया ये देख बेटा पिछले वाला तो सिंपल सी बात ये है दो तीन बच्चों का कमेंट आया जो चीज राइट में है वो राइट में क्या कर रही है वो राइट में क्या कर रही है वो लेफ्ट में आएगी वो लेफ्ट में आएगी बाहर की तरफ स्क्वायर है कर्व अंदर है यहां पे बाहर कर्व कर रखा है तो बाहर की तरफ स्क्वायर है और कर्व अंदर है लेकिन कर्व की पोजिशन गलत है इसको थोड़ा सा नीचे बनाना था यहां यहां ऐसे बनना था तो आंसर यहां पे सी होता तो ऐसी स्थिति में आप अटेम्प्ट करके आए छोड़ के ना आए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी झलक देखी थी आप लोगों ने जल्दी बताओ बेटा ट्वेंटी नाइन का आंसर बताओ शाबाश क्या होगा ट्वेंटी नाइन में ये जो ट्राइंगल राइट हैंड साइड में बना हुआ है ये ऊपर तो नहीं जाएगा नीचे बना हुआ है ये ऊपर तो नहीं जाएगा ऊपर तो नहीं जाएगा यह ट्राइंगल नीचे बना हुआ है राइट में यह ट्राइंगल नीचे बनेगा लेफ्ट में तो इसी वजह से आंसर क्या होगा बेटा इसी वजह से इसका आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर तीस भी बड़ा अच्छा प्रश्न है तीस में उलझ जाते हैं तीस का आंसर बताइए क्या होगा बेटा तीस का आंसर बताओ क्या होगा कोई बात नहीं बेटा अभी फ्री हो रहे हैं बस दस क्वेश्चन हो रहे हैं चालीस क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस हो जाते हैं स्पेशल बैच में ही पच्चीस तीस क्वेश्चन ही कराते हैं हैं स्पेशल बैच में तीस का बता ये तीस का आंसर बताइए बेटा सी 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 कह रहे हैं। सी। क्या होगा निश्चित रूप से ध्यान से देखना बेटा जो लाइनें इधर जा रही हैं वो इधर की इधर नहीं जाएंगी वो आपस में स्थान नहीं बदलेंगी एक ही दिशा में जा रही हैं वो इधर जाएंगी वो इधर जाएंगी इधर जा रही हैं इसमें फिर एक लाइन इधर जा रही है एक लाइन इधर जा रही है ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये गलत है दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो ये सही है आंसर आंसर क्या बनेगा बेटा? सी। तो होगा इसका सी नन नहीं है बेटा बिल्कुल सही है बनेगा ठीक है एक सेकंड बेटा लाइन में फर्क आएगा जो लाइन इधर जा रही है ना तो वो इधर जाएगी जो लाइन इधर जा रही है वो इधर जाएगी बिल्कुल ठीक है बेटा सी क्या है बेटा ये लाली लाइन इधर है ना तो ये लाइन इधर आ गई ये लाइन इधर है ना तो ये लाइन इधर आ गई लेफ्ट राइट पे तो बदलेगा इसलिए आंसर सी होगा नन नहीं है बेटा आंसर सी होगा वो बनेगा डेली हुआ करेगी क्या क्लास अब बेटा करीब दस दिन से तो डेली चल रही है और आप प्रश्न आज पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप जुड़ते नहीं है ठीक है आज प्रश्न आज पूछ रहे हैं आप काउंटिंग ऑफ फिगर का कराना बेटा करा देंगे काउंटिंग ऑफ फिगर का अभी क्यों टेंशन ले रहे हो जल्दी बताओ बेटा बताओ बेटा शाबाश आज पहली बार लाइव आया हूं क्लास रोज नौ बजे लाइव होती है बेटा थोड़ा सा दस मिनट पहले कर लेंगे जयदीप सर है ना तो दस मिनट पहले कर लेंगे ठीक है डी कह रहे हैं चलिए ये जो चीज है ना ये लेफ्ट की तरफ है और ये लेफ्ट की लेफ्ट में है गलत है लेफ्ट की लेफ्ट में है गलत है आंसर या तो सी में होगा या डी में होगा ऊपर वाली लाइन इधर जा रही है तो ऊपर वाली लाइन इधर जा रही है यहां भी इधर जा रही है बिल्कुल नीचे वाली लाइन इधर जा रही है तो नीचे वाली लाइन सेम डायरेक्शन में जाएगी ना यहां तो डायरेक्शन बदल गई यहां लाइनों की डायरेक्शन सेम थी तो लाइनों की डायरेक्शन सेम यहां है इसलिए डी होगा इसलिए आंसर सी नहीं हो सकता इसलिए आंसर सी नहीं हो सकता लाइन चेंज नहीं होगी बेटा पीछे वाले में बिल्कुल ठीक थी पीडीएफ भेज देना सर पीडीएफ तो भेज रखा है बंधु काहे नहीं चेक करते हो टेलीग्राम चैनल पे पी ऑलरेडी आपको दिया गया हुआ है नेक्स्ट बेटा एरोमार्क राइट right की तरफ है तो एरोमार्क लेफ्ट में है ये एरोमार्क ही गलत बना रखा है एरोमार्क राइट right में है गलत है एरोमार्क राइट right में है गलत है दोनों तरफ एरोमार्क है गलत है तो एरोमार्क लेफ्ट में आ जाएगा और ये डॉट आ जाएगी तो ए बनेगा तो इसका आंसर 32 का जो आंसर बनेगा बेटा क्या बनेगा वो 32 का आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा आसान है बेटा शाबाश बताओ फिर चौतीस से आगे डायरेक्शन पढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या बनेगा हो गया बेटा 33 पर आ जाते हैं ये बॉल लेफ्ट की तरफ है तो यह लेफ्ट की तरफ है यह लेफ्ट की तरफ है राइट में जाएगी गई राइट में बिल्कुल लेकिन यह बॉल नीचे है यहां लकड़ी के ऊपर है तो ये बी बॉम्बे बनेगा आगे डायरेक्शन पढ़िए बेटा क्या दिया गया है आगे डायरेक्शन में दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डिजाइन इज गिवन मार्क्ड डेस की फिगर यू हैव टू डिटरमाइन विच चॉइस विल बी द एग्जैक्ट व्यू ऑफ द ओरिजिनल की फिगर वेन सीन फ्रॉम द रिवर्स साइड ऑफ द पेपर क्या कह रहा है कह रहा है एक फोटो एक डायग्राम बना हुआ है एक फोटो बना हुआ है एक डायग्राम बना हुआ है यदि उसको कागज के पीछे से देखेंगे तो कैसी फिगर नजर आएगी कागज के पीछे से देखेंगे तो कैसी फिगर बनी हुई नजर आएगी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा कागज के पीछे से और मैंने आपको मिरर इमेज में समझाया था जब आप कोई भी चीज लिखते हैं कागज के ऊपर तो उसके पीछे उसी पेज के पीछे उसका क्या छपता है बेटा मिरर इमेज छपता तो तो उल्टा उल्टा तो उसी कागज की बैक साइड में कह रहा हूं जैसे ये कागज है, आपने कुछ लिख दिया वो उसकी मिरर इमेज होगा और अगर आपने मिरर इमेज लिख दिया तो वो उसका क्या रहेगा बेटा सीधा हो जाएगा तो मिरर इमेज सीधा हो जाएगा ठीक है तो हम कागज की बात कर रहे हैं मूर्खानंद गत्ते की बात नहीं कर रहे हैं कागज कागज तो बैक साइड से तो एक तरीके से मिरर इमेज ही बेटा यहां भी क्या बतानी है मिरर इमेज बतानी है एक तरीके से यहां भी मिरर इमेज बतानी है तो यहां शीशा नहीं दिखाया इन्होंने कहा इस आकृति को कागज छाप देंगे तो उसी कागज को पीछे से देखेंगे उसी कागज को पीछे से देखेंगे तो कैसी बनी हुई नजर आएगी तो भाई फिर से ये मिरर इमेज का काम करेगी फिर से मिरर इमेज का काम करेगी ठीक है बेटा चलिए चौतीस और पैंतीस का आंसर बताइए क्या होगा जो लाइन लेफ्ट में है लेफ्ट में नहीं रह सकती लेफ्ट में नहीं रह सकती राइट में जाएगी ठीक है तो यह लाइन ऐसे की ऐसे नहीं रहने वाली लाइन ऐसे हो जाएगी क्योंकि यह तो इसी के साथ टच कर गई लाइन है जबकि इसके साथ लाइन टच नहीं कर रही लाइन अलग है तो आंसर बी बॉम्बे बनेगा तो 34 का आंसर बी बॉम्बे फिर से आपको यहां मिरर इमेज ही बतानी है कि इसको जब पीछे से देखेंगे तो ऐसी आकृति बनी हुई नजर आएगी वास्तव में फिर से यह मिरर इमेज ही बनी हुई नजर आनी है ठीक है बेटा नेक्स्ट दोनों का आंसर बी है वेरी गुड बेटा चलिए देखो बेटा ये अंदर चीज लेफ्ट में शेडेड है लेफ्ट में शेडेड है लेफ्ट में शेडेड है लेकिन आपको दिख नहीं रहा ये राइट right में शेडेड है गलत है आपको दिख नहीं रहा ये राइट right में शेडेड है गलत है फिर उसके बाद बेटा राइट right में लाइने ऊपर जा रही है तो राइट right में लाइने ऊपर जा रही है तो यहां राइट right में लाइने ऊपर जा रही है गलत है यहां पे जो लाइने ठीक तो है बेटा ये लेफ्ट में था तो बी क्यों क्यों गलत किया मैंने बी तो ठीक है फिर बताता हूं बेटा फिर बताता हूं क्या गलत था ये शेडेड पोर्शन अंदर लेफ्ट में दिख रहा है यहां भी लेफ्ट में है तो लेफ्ट का लेफ्ट में क्या होगा बेटा गलत राइट में आ गया राइट में आ गया राइट में आ गया फिर राइट एंड साइड में सीधी लाइनें हैं तो ये सीधी लाइनें राइट एंड साइड की राइट में नहीं रहेंगी राइट में नहीं रहेंगी ये लाइनें लेफ्ट में आ जाएंगी और जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लेटी हुई लाइनें राइट में चली जाएंगी इसलिए आंसर बी बनेगा इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा बेटा बी बॉम्बे वेरी गुड बेटा बी बॉम्बे तो राइट है तो आंसर बी बॉम्बे बनेगा नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा छत्तीस पे और सैतीस पे दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर छत्तीस और क्वेश्चन नंबर सैतीस इसका तो आंसर एक ही शेडेड पोर्शन से आ जाएगा बताइए दोनों का आंसर छत्तीस और सैंतीस का आंसर क्या होगा छत्तीस का आंसर बताना और सैतीस का बताना है पहले छत्तीस का बताओ आप ये देखो बेटा ये राइट हैंड साइड की तरफ है और ये इधर है तो ये लेफ्ट में जाके ऊपर की तरफ थोड़ी होगा ये लेफ्ट में जाके नीचे की तरफ थोड़ी होगा ये लेफ्ट में जाके राइट की तरफ थोड़ी होगा ये एज इट इज यहां का यहां रहेगा तो आंसर डी होगा तो आंसर क्या होगा बेटा डी होगा तो जो चीज बिल्कुल इधर की तरफ है वो चीज बिल्कुल इधर हालांकि इससे थोड़ा सा दूर है वो चीज आप निगलेक्ट कर सकते हैं इस हिसाब से आंसर देंगे डी वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया आंसर आपने डी दिया अच्छा जो चीज लेफ्ट में ये सिलेंडर सा बना हुआ है तो ये चीज लेफ्ट की लेफ्ट में क्या कर रही है ये चीज लेफ्ट की लेफ्ट में क्या कर रही है एकदम गलत है राइट में जाएगी लेकिन जो लाइन ऐसे जा रही है वो लाइन ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी लाइने ठीक है लेकिन ये चीज है ना इस सिलेंडर के लेफ्ट में है इस सिलेंडर के लेफ्ट में है तो इस सिलेंडर के लेफ्ट में है जबकि यह चीज, चीज सिलेंडर के राइट में होनी चाहिए जो चीज इधर की तरफ है वो चीज इधर की तरफ निकलेगी इसलिए राइट में होनी चाहिए ना बेटा गलत नहीं है राइट में होनी चाहिए इसी वजह से यह सही है तो लेफ्ट वाली चीज होनी चाहिए राइट में इसी वजह से यह एकदम सटीक है बोथ दोनों का जो आंसर होगा डैट विल बी डी डेली डी डेली कहना दोनों का आंसर वो एकदम सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर उनतालीस का आंसर बताइए देख के ही बता सकते हैं बेटा अड़तीस और उनतालीस 38 का बताइए अभी चालीस क्वेश्चन अपडेट कीजिएगा 38 का आंसर प्रैक्टिस में बेटा समझ तो आ रहा है ना प्रैक्टिस में ठीक है प्रैक्टिस हो रही है बेटा स्पेशल चौबीस की बच्ची है बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो आंसर भी दीजिए ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो अच्छा ये जो चीज़ है ना ये उल्टा नहीं हो सकता ये उल्टा नहीं हो सकता ये गलत कर रखा है और जो सर्कल राइट में है वो राइट का राइट में नहीं रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा तो आंसर क्या होगा बेटा ए तो इसका आंसर ए आया बिल्कुल बढ़िया ए आंसर दिया बेटा और फ़ोन नहीं करो बेटा मुझे अभी उनतालीस का आंसर क्या होगा ये स्टूडेंट वाला फ़ोन बड़ा बजता रहता है उनतालीस का फ़ोन क्या होगा उनतालीस का आंसर बताओ बेटा हट गया हूं मैं सामने से ये यहां इजी है ऐप वाले मुश्किल थे चलो बेटा ऐप वाले मुश्किल होंगे अब वो देखने का नजरिया है कि क्या बनेगा मेरा बुक कहां पर मिलेगा बहुत जल्दी मिल जाएगा बेटा ए कह रहे हैं सी कह रहे हैं चलो देखते हैं बेटा नीचे शेड है लाइन में ऊपर की तरफ शेड कर दिया बहुत बड़ी गलती है इस अलमीरा के ऊपर नहीं इस एलमीरा के नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट की तरफ बॉल है जबकि यहां पे यह चीज जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगी तो राइट में तो लेफ्ट में बॉल है राइट में आ गई राइट में आ गई लेकिन बॉल यहां गड़बड़ कर रही है अलमीरा भी पलटी हुई है एलमीरा का कर्व नीचे दिख रहा है एलमीरा का कर्व नीचे दिख रहा है जबकि अलमीरा का कर्व ऊपर है कर्व ऊपर है तो कर्व ऊपर है कर्व ऊपर है जो चीज नीचे लेफ्ट में थी वही चीज नीचे राइट में जाएगी राइट में जाएगी जो चीज ऊपर ऊपर लेफ्ट में थी तो वो चीज ऊपर ऊपर ही रहेगी लेकिन राइट में जाएगी और राइट में जाएगी तो अब मुझे बताइए इन दोनों में से चीजें तो सेम ही आपको ये यहां दिख रही है ये यहां दिख रही है ये नीचे दिख रही है नीचे दिख रही है आंसर ए होगा या सी होगा इसमें थोड़ी लाइनें दिख रही हैं ये पूरा ब्लैक भरा हुआ है इसमें थोड़ी लाइनें दिख रही है इसलिए देने को आंसर बढ़िया देंगे तो क्या देंगे बेटा आंसर सी देंगे देने को आंसर देंगे तो बढ़िया आंसर सी देंगे ए इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ए इसने जस्ट पूरा ब्लैक कर रखा है पूरा ब्लैक है जबकि यहां पे हमें व्हाइटनेस दिखाई दे रही है लाइनें डाली गई उसमें तो उनतालीस का जो आंसर बनेगा डैट विल बी सी तो उनतालीस का आंसर सी बनेगा डैट विल बी सी वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया आगे आ जाओ चालीस और इकतालीस का आंसर भी बता दीजिए चालीस का और इकतालीस का आंसर भी बता दीजिए बताइए बेटा चालीस इकतालीस के आंसर में जब हम आएंगे सर्कल दो है सर्कल चार बना दिए कहां से आ गए चार बना दिए कहां से आ गए एक दूसरे पे क्रॉस कर दिया इनको कहां से आ गया ये ठीक लग रहा है हालांकि मिला दिया मिलेगा नहीं यह दूर रहेगा यह मिलेगा नहीं बेटा यह दूर रहेगा लेकिन फिर भी इस आधार पर काम चलाया जा सकता है अगर ऐसी गलती पेपर में आ जाए तो अवॉइड कर सकते हैं ऐसी गलती पेपर में आ जाए तो अवॉइड कर सकते हैं तो आंसर ए बनेगा और लास्ट वाले का आंसर बच्चों ने दे दिया कि सर सी आंसर होगा बहुत बढ़िया बेटा आपने जो आंसर दिया है वो सी है कैसे बनेगा बेटा ये चीजें राइट में है वो चीजें राइट में ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता फिर इसका कर्व ऊपर है और यहां पे कर्व नीचे कर दिया फिर कर्व ऊपर है कर्व नीचे है कर्व ऊपर है कर्व ऊपर है गलत है बेटा ऊपर है कर्व नीचे है कर्व ऊपर है कर्व नीचे है राइट वाला लेफ्ट में लेफ्ट वाला राइट में आंसर बनेगा सी अपना स्कोर अपडेट कीजिए नन वालों को छोड़ दो अपना स्कोर बताइए स्कोर क्या बना बेटा नन वालों को छोड़ दें नन वाला क्योंकि एक घंटा पूरा हो गया बेटा ज्यादा मैं भी नहीं खींचना चाहता उसमें आपको लगता है क्योंकि अभी मेरे पास तो और मटेरियल था भी खत्म नहीं हुआ है हालांकि इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे लेकिन फिलहाल मुझे बताइए अपना स्कोर अपडेट कीजिए आपका स्कोर क्या बना जो नन वाले हमारे पास क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन तीन चार क्वेश्चन थे उन नन वालों को हटा दो चालीस का चालीस आ रहा है भाई पैंतीस उनतालीस अच्छा ये बताओ ये वाला जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है इस प्रकार का जैसे हमने नॉन वर्बल रीजनिंग का सेशन निकाला मिरर इमेज का फिर वाटर इमेज का पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है आउट ऑफ आउट भी लगाए हैं बच्चों ने वेरी गुड बेटा ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो हम नॉन वर्बल में काउंटिंग ऑफ फिगर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल काउंटिंग ऑफ सर्कल इस प्रकार के सेशन भी आप लोगों तक लेके आते रहेंगे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए उम्मीद करता हूं कि डेली आप सब जुड़े वीडियो को शेयर करते रहिए बेटा ज्यादातर अपनी संख्या में अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए बस यही जज्बा आपके साथ है और हमें भी इसमें जुड़ने में मजा आता है कि आप हमारे साथ जुड़े होते हैं अब आप इंग्लिश के सेशन में जा सकते हैं जिसमें जयदीप सर सेशन के साथ लाइव है बेटा थोड़ा सा टाइम में हम बदलाव करेंगे उसमें ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का थैंक यू वंदे मातरम जय हिंद जय जा भारत